फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट दीपा और स्वागत है आपका डी किचन में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम सीखते हैं ढाबा स्टाइल अक्खा मसूर की रेसिपी। इस ढाबा स्टाइल अक्खा मसूर को घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनती है। तो इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल बटन है उसको भी आप क्लिक करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अक्खा मसूर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मसूर लिया है और इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। तो अब हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, तो कुकर में हम ये अक्खा मसूर है, दाल नहीं है ये। तो इस अक्खा मसूर को हम कुकर में पका लेंगे। तो इसमें हमें और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो इसकी हमें 2 सीटी लगानी है बस, ज्यादा सीटी नहीं लगानी है नहीं तो ज्यादा गल जाएगा। तो बस 2 सीटी हमें लगानी है। यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज कटा हुआ, एक टमाटर कटा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ और ये कड़ी पत्ता है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और हमें चाहिए लहसुन और अदरक। तो लहसुन को मैंने बस थोड़ा सा क्रश कर लिया है और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कोल्हापुरी लाल मसाला। इसकी जगह आप कोई भी लाल मिर्च पाउडर या कुछ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देगी मिर्च ली है मैंने 1/2 टेबल स्पून। तो हम देख लेते हैं कि हमारा अक्खा मसूर पक गया है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्खा मसूर अच्छे से पक चुका है। तो इसको मैंने 2 सीटी लगा ली। तो कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच तेल यूज किया है। अब हमें इसमें ऐड करना है कड़ी पत्ता, कटा हुआ प्याज हम ऐड करेंगे इसमें, तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो प्याज को यहाँ पे थोड़ा सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर। तो हमने यहाँ पे 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ लिया है। तो टमाटर को भी हम तेल के साथ, प्याज के साथ और तेल में अच्छे से पकने देंगे। उसके साथ हम ऐड करेंगे ये हरा धनिया और अदरक लहसुन भी हम इसी में ऐड करेंगे। तो इन सबको हमें 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये देगी मिर्च है, देगी मिर्च का लाल पाउडर हमने यूज किया है और ये कोल्हापुरी लाल मसाला है। तो मसालों के साथ हम प्याज और टमाटर को भून लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मसूर जिसको हमने कुकर में पका लिया है। तो हमने कुकर में थोड़ा सा मसूर अक्खा यहाँ पे बचा लिया है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। तो नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस कुकर में थोड़ा सा अक्खा मसूर बचा के रखा है, तो उसको हम थोड़ा सा इस मैशर से मैश करेंगे ताकि हमारी जो अक्खा मसूर की ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी बन जाए। तो उसको थिकनेस आने के लिए इसको हम मैश करेंगे इस तरह से। तो अब हम इस कुकर में जो मैश किया हुआ अक्खा मसूर है इसमें ऐड करेंगे। तो
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी अक्खा मसूर अच्छे से बन गया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। फ्रेंड्स इस अक्खा मसूर को अब हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, तो इसमें मैं ये अक्खा मसूर सर्व करूँगी। तो इस अक्खा मसूर को आप रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल अक्खा मसूर बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको नया कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।